state of mind. Still my eyes go just drop, 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 drop. Try to find the other side. While the sky is gone, just drop, drop, drop. Love has a fate. The dead is piling up, it seems. No guarantees. We'll see if it's meant to be. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखो कितना सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, ओडिन की कॉफ़ी मशीन्स, ग्राइंडर्स और उसके ऑफिस की चीज़ें। ये सामान हम दोनों उठा के आज सुबह सुबह यहाँ पे रखे हैं क्योंकि उसने एक ऑफिस रेंट पे लिया है घर के पास में, वहाँ पे वो अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा है। और ये कॉफी मशीन ना बहुत हैवी होती है तो हम दोनों उठा के एक एक करके लाए। ये टेबल भी हम कैसे तैसे करके उठा के लाए उसके रूम से, और ये वाली टेबल भी हम लोग दोनों उठा के लाए। तो ये बहुत हैवी सब कुछ ना, सुबह सुबह बहुत काम हो गया संडे को। और यहाँ पे इसका स्टेशनरी का भी सामान पड़ा हुआ है कुछ। अब ओडिन चला गया है अपने नए ऑफिस में, और क्योंकि आज संडे है, इवान की छुट्टी है और उसको मैं आज सोने दे रही हूँ आराम से, तो उसके लिए मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ये मैंने मूंग दाल और चावल कल रात को ही भिगो के रख दिया था फ्रिज में, लेकिन हमारे फ्रिज में कोई प्रॉब्लम हो गई तो सारा सामान जम जा रहा है। इसको मैं थोड़ा नमक डाल के 2-4 सीटी लगा के उबाल दूंगी। इसमें मैंने मूंग दाल ज़्यादा और चावल थोड़ा सा ही लिया है। ओडिन कॉफ़ी बना के गया था सुबह सुबह, तो उसी में दूध मिला के पी रही हूँ मैं, वो तो ब्लैक वाली पी जाता है। हमने जो बर्ड फीडर लगाया था उसमें एक ही कबूतर आ रहा है और उसने इतनी तबाही मचा दी और सारे के सारे सीड्स अंकुरित हो गए हैं। मुझे लगता है थोड़े दिन बाद इसके बॉन्साई प्लांट्स जो हैं उनके साथ में पता नहीं कौन कौन से प्लांट्स उग जाएंगे। ये रहा ओडिन, लिफ्ट के पास खड़ा है, अभी भी और सामान लेके जा रहा है। सुबह सुबह जब मैं किचन में होती हूँ ना तो इवान फोन उठा लेता है, बट ये जो गेम खेल रहा है ना उसमें दिमाग लगाना पड़ता है इसको। तो शुरू में बहुत सारे ट्राइज के बाद ना ये सीख गया है। अब ना इस गेम में इसको जो रेड कलर की बॉल्स है उनको वायरसेस से बचाना है, उनको कवर कर देना अच्छे से। कितना अच्छे से ये खेल रहा है और एक एक करके इसने परफेक्टली कवर कर दिया इन बॉल्स को। मुझे तो ऐसे गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स खेलने से बच्चों की दिमाग की एबिलिटी बढ़ जाती है, रट्टे मारने वाली पढ़ाई से तो बेटर है। अब मैं जा रही हूँ पार्सल लेने के लिए, जो कि घर के गेट के बाहर ही चाइना में छोड़ के चले जाते हैं। भले आप घर में हो कि नहीं हो, एक महीने तक भी आप पार्सल नहीं उठाओ तो भी वो सेफ पड़े रहते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैंने घर की काफी सफाई की और अब मैं हूँ फ्री। एक्चुअली कल ना मेरे बहुत सारे पार्सल्स आ गए थे, कल फ्राइडे था, लेकिन मैंने जानबूझ के कल पार्सल्स खोले नहीं। मैंने बहुत कंट्रोल किया खुद को क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था अनपैक करते हुए कि क्या क्या आया है। मैंने काफी सारी चीजें अपनी लाइफ को इजी करने के लिए मंगाई है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल जाती है और बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है आज। पहली चीज, ये मैंने मंगवाया था फोन स्टैंड। तो मैंने सोचा ये था कि एक इतना लाइट वेट सा एक फोन स्टैंड मेरे पास हो, तो ये बेसिकली ऐसे फोल्ड हो जाता है, बहुत ही हल्का, आई थिंक 50-60 ग्राम्स का होगा, और ये ऐसे खुल जाता है। तो जैसे आप तो फोन ऐसे रख के देख सकते हो, लेकिन मैंने इसको सिर्फ फोन देखने के लिए नहीं मंगाया, मैंने मंगाया ताकि अगर मुझे कोई रिकॉर्डिंग करनी हो, जैसे मुझे नीचे का कुकिंग करते वक्त कोई रिकॉर्डिंग करनी हो, तो इसमें यानी लगाने का कोई टेंशन नहीं है, बस फोन को यहाँ पे रख दो और रिकॉर्डिंग स्टार्ट पीछे वाले कैमरा से। तो ये बहुत कन्वीनियंट है। यूजुअली ट्राइपॉड में ना मुझे फोन अटैच करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, उसमें काफी टाइम वेस्ट होता है, और ये एडजस्ट भी हो जाता है देखो ऐसे। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसको ऐसे छोटा किया, ऐसे किया, और ये हो गया फोल्ड, कहीं पे भी लेके जाओ। ये दूसरी चीज है जो मैं बहुत टाइम से लेने का सोच रही थी, तो ये है एग विपर, होता है ना एग विप करने के लिए या क्रीम विप करने के लिए, वो मैंने मंगाया था। ये देखो आप कितना छोटा सा और इजी टू यूज है, बैटरी इसकी रिचार्ज हो जाती है चार्जर यहाँ पे लगा के, बहुत ही लाइट वेट है और छोटा है। तो मेरे पास ना एक प्रॉपर दो हैंडल वाला वो मेरे पास था, लेकिन वो ना इतना हैवी होता है, उसमें दो दो ये अटैचमेंट होते हैं, मुझे वो बहुत बड़ा बल्की लगता था। तो ये है ना ऐसे डिटैच हो जाता है, कहीं पे भी रख दो इसको,
और इससे ना अंडा वंडा सब फिट जाता है। व्हिप्ड क्रीम बनाना या फिर अंडे के व्हाइट्स को झाग में कन्वर्ट करना, वो इसमें 2 मिनट में हो जाता है काम। बहुत ही बढ़िया है, देखो इसका कैसा शेप है, एग ड्रॉप टाइप का। यानी मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगी जल्दी से जल्दी। और इसमें ना स्पीड के हिसाब से लाइट जलती है, तो एक बार टैप करोगे तो एक लाइट जलेगी, उसका मतलब है लोएस्ट स्पीड, उसके बाद 2 लाइट यानी उससे हाई स्पीड, और सबसे हाई स्पीड 3 लाइट्स। तो ये है ना, ये मेरी थोड़ी इंपल्स परचेज है। आई थिंक ये मुझे पड़ा है 40 रुपए का, और गेस करो ये क्या है। शॉपिंग की वेबसाइट टाओबाओ है ना, उसमें मैं स्क्रोल डाउन कर रही थी तो इसका रैंडमली एड आ गया था, तो मुझे बहुत पसंद आया। अब इसको लगा के देखते हैं। ये बेसिकली एक छोटा सा क्लीनर है, बिल्कुल चार्जिंग वार्जिंग बैटरी कुछ नहीं है। इसको ऐसे पुश करना है, ऐसे खुल जाता है ये, और उसमें ये लगाना पड़ेगा मुझे, अटैच करना पड़ेगा। ये स्लाइड इन हो जाता है वेरी इजीली। अगर टेबल पे कुछ गिर गया है, पानी और बहुत सारा कचरा है जिसको आप टाल से साफ नहीं कर सकते, उसको ऐसे करके साफ कर लेना, ऐसे करके लाइक आप डस्टबिन में डाल सकते हो। और फिर जब इसको निचोड़ना हो तो इसको ऐसे कर दो, ये अंदर चला जाता है और ऐसे पुश आउट, तो इसका सारा पानी गंदगी वगैरह निकल जाती है। तो देखूंगी अगर मैं यूज करूंगी आगे से व्लॉग में आपको जरूर बताऊंगी। इवान बुबू, इवान कल से वेट कर रहा था कि मैं इसको खोल के दूं, बट मैंने खोला नहीं, तो अभी दे रही हूँ, ये खेलेगा इसके साथ। अभी 2-3 चीजें और बची है। के साथ ब्रश, और ये भी आया है कुछ केक उठाने वाली चीज जो होती है ये, और ये मैंने काफी ब्लॉग्स वगैरह में देखा था तो मेरा बहुत मन था लेने का। मैं हमेशा स्ट्रगल करती थी कि ये ऑमलेट छोटा वाला कैसे बनाओ। कास्ट आयरन पैन है ये, पड़ा मुझे 200 रुपए का, काफी हैवी है ये। नीचे से ये ऐसा है, इसके साथ हैंडल भी आया है, ये लकड़ी का हैंडल आया है। इसको मैं जोड़ ही देती हूँ, अभी लगे हाथ। तो काफी हैवी है, आई थिंक 1 किलो से ऊपर का है। कास्ट आयरन मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, मैं हमेशा से नॉन स्टिक पैन्स यूज करते आई हूँ, बट अब मुझे लगता है आई हैव टू स्विच टू कास्ट आयरन या स्टील ओनली, क्योंकि वो नॉन स्टिक से मैं परेशान हो जाती हूँ। अगर उसमें कालापन जम जाता है कहीं तो उसको निकालने से नॉन स्टिक की लेयर भी खत्म हो जाती है। इसमें मैं कुछ बनाऊंगी डेफिनेटली ब्रेकफास्ट वगैरह का। इसके साथ ये चाइनीज में लीफलेट टाइप की आई है जिसमें दिखाया है कि क्या क्या बना सकते हैं इसमें। यहाँ चाइनीज ब्रेड बहुत टाइप की बनती है, ये भी जापानीज ऑमलेट है, और इसकी सरफेस में बहुत खुरदुरी है, मुझे लगता है मुझे थोड़ी इसकी तेल से सीजनिंग वगैरह करनी पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली द बेस्ट आइटम, ये कल मैं खोल चुकी थी क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ एंड आई नीडेड इट, क्लीनिंग टॉवल्स फॉर द किचन। तो ये एक्चुअली एक खोल के कल रात को मैं स्टार्ट हो गई थी क्लीनिंग करना, क्योंकि मैं आपको अपने पुराने टॉवल की हालत बताती हूँ। ये देखो आप, ये ओडिन की कॉफी वगैरह साफ करके एकदम ब्राउन पड़ गया है, और ये एक्चुअली डिस्पोजेबल होता है, कुछ दिन यूज करके इसको फेंकना होता है, तो इसको कुछ दिन हो गए लेकिन इसकी हालत इतनी खस्ता हो गई, और ये है ना इतना अच्छे से क्लीन नहीं करता था। बट ये मैंने निकाल के एक बार यूज किया, पता नहीं कौन से मटेरियल का बना है, ये बहुत ही अल्ट्रा सॉफ्ट है, लेकिन इससे पूरा किचन ऐसा लगता है स्क्रब हो जाता है, जैसे हमारे स्क्रबर होता है ना स्कॉच ब्राइट वाला, उससे भी बढ़िया स्क्रब होता है। इससे खतरनाक तेल के दाग भी निकल जाते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म चमक जाता है। आप इनफैक्ट देखो मेरा प्लेटफॉर्म तो इतना कभी चमका नहीं है, वहां पे लिटरली एक रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है देखो। और मैंने इससे अपना स्टव भी साफ किया, और हमेशा मेरी प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं नॉर्मल कोई भी टाल यूज करके अगर मैं इसको साफ करती थी तो हमेशा वाटर मार्क्स होते हैं ना वो रह जाते थे, कोई ना कोई दाग रह जाते थे, तो साफ नहीं लगता था। अब इससे मैंने साफ किया तो इससे पानी बिल्कुल भी नहीं छूटता, इनफैक्ट 100% ऑलमोस्ट पानी निकाल देता है। ये देखो आप, ये देखो आपको लग रहा है यहाँ पे मैंने साफ किया है, जरा भी आपको पानी दिख रहा है इसमें? ये ऐसे साफ करता है कि आई थिंक दिस वॉज लाइक 10 रुपीज फॉर अ टॉवल, इट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव। अगर मैं एक नॉर्मल टॉवल यूज करती हूँ उससे बराबर से साफ नहीं होता, फिर मैं इसको धोती हूँ साबुन से, फिर से प्लेटफॉर्म साफ करती हूँ, फिर धोती हूँ, फिर से प्लेटफॉर्म साफ करती हूँ, फिर भी मेरा प्लेटफॉर्म नहीं चमकता है। और इससे पानी से निचोड़ के मैं एकदम प्लेटफॉर्म पे एक बार हाथ मार देती हूँ तो वो क्लीन हो जाता है। ये है मेरे दिमाग में वैल्यू फॉर मनी, देखो कितना सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है कि ये टॉवल है ना एकदम प्लेटफॉर्म को अंदर से खुरेच के सारी गंदगी निकाल रहा है, लाइक इट्स सो वियर्ड। वीकेंड में तो इवान बार बार किचन में आता रहता है और उसे प्रिटेंड प्ले करना बहुत पसंद है, यानी मुझे बोलता है कि आप ये बन जाओ मैं ये बनूंगा, आप झाड़ू बन जाओ मैं पोछा बनूंगा, यानी कुछ भी ऐसे अपने मन से बनाता रहता है। तो मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ सीजन करने का पैन, और साथ में इवान के साथ बात भी कर रही हूँ। That's sweet. Okay. That's sweet, you become really sweet.
दोपहर हो गई है, दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और इवान का लंच टाइम होने वाला है। मैंने मटन बनाने का प्लान किया था खुद के लिए, तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले मैं इवान का खाना बना देती हूँ, बहुत जल्दी बन जाएगा। उसको वैसे भी बहुत सिंपल टाइप का खाना पसंद है, ज्यादा मेहनत करके बनाओ तो खाता भी नहीं है वो। उसकी फेवरेट चीज जो कि बीन स्प्राउट्स है ना, जो मैं खरीदी थी लास्ट ब्लॉग में, वो थोड़े से बचे थे, उसको यूज करके मैं कुछ सिंपल सा बना दूंगी। ये मेरे पास कास्ट आयरन की एक स्किलेट, ये पुराने जो लोग रहते थे यहाँ पे वो लोग छोड़ के गए थे, तो बहुत अच्छी कंडीशन में है ये, मैं यही यूज करने वाली हूँ। ये अच्छे से हो गया है देखो, इससे इवान का और मेरा जो मटन बनाऊंगी मैं वो दोनों हो जाएगा। अभी इवान से बात करते करते मैं काट रही हूँ, लीक्स का ग्रीन पार्ट है ये। आप स्प्रिंग अनियंस या स्कैलियंस भी ले सकते हो, उसका ग्रीन पार्ट। अब इसको थोड़ा सा फाइनली चॉप कर दे रही हूँ मैं। ये डिश मैं बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ, इवान को सिंपल फ्लेवर्स बहुत पसंद है। इसके लिए मैं ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस निकाल रही हूँ, जो कि सबसे ज़रूरी होते हैं चाइनीज़ कुकिंग में। थोड़ा सा ऑयस्टर सॉस लिया मैंने, थोड़ा सा सेसमी ऑयल लिया है और थोड़ा सा सोया सॉस ले रही हूँ मैं, एक एक चम्मच आप मान लो हर चीज़ का। उसको अच्छे से मिला रही हूँ। आधा छोटा चम्मच करीब मैंने चीनी ली है बस। ये कैंड हैम लिया है मैंने, आप कोई भी मीट ले सकते हो या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो। ये है स्पैम, यहाँ पे काफी यूज होता है, बहुत अच्छे क्वालिटी का ये सॉसेज टाइप होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा निकाल के ना ऐसे ही काट देती हूँ। इवान को बहुत ज्यादा पसंद है ये, स्पैम के नाम से मिलता था ये, लेकिन बहुत सारी कंपनीज बनाने लगी है आजकल इसको। तो ये 3 पीसेस ले लिया मैंने, ग्रीन अनियंस और सॉसेज। ये मेरा कास्ट आयरन पैन एकदम गर्म हो गया, देखो धुआं निकल रहा है, तो इसमें ना बीच में मैं ऐसे रख दूंगी। थोड़ा सा गार्लिक डाल देती हूँ साइड में, अब ना थोड़ा सा हरा प्याज डाल रही हूँ और इसके ऊपर। ये देखो आप कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं इससे, और चिपक भी नहीं रहा है ये। आइडियली तो इसको एक कढ़ाई में बनाना चाहिए, क्योंकि देखो अब कैसे गिर रहा है, बट मेरा आज मन कर रहा है इस पैन का थोड़ा फ्लेवर लेके देखूं। अब ना मैंने जो स्लरी बनाई थी ना वो इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी मिला के। अब मैं इसको ऊपर डाल रही हूँ इसके, ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए, क्योंकि इवान को सॉसेज वगैरह का फ्लेवर बहुत पसंद है। अब देखो ये थोड़े विजिबली सॉफ्ट हो गए हैं, तो इतना ही इसको पकाना है, ज़्यादा पकाएंगे तो इसकी क्रिस्पीनेस चली जाती है। अब इवान के थोड़े चावल ले रही हूँ, आप देखो इसका कलर कितना लाइट सा लग रहा है, तेल भी मैंने बहुत कम डाला है, इसका नेचुरल फ्लेवर निकल के आता है ऐसी रेसिपीज में। थोड़ा सा ससमी ऑयल का जो मिक्सचर है ना। इवान, इवान, व्हाट? I like that vegetable so much. I know. You like both, na? You like sausage and vegetable both. Look. यहाँ का खाना ऐसा है कि स्पून या हाथ से उठाते ही नहीं बनता ठीक से। ये चीजें तो चॉपस्टिक से ही उठनी है। ले। It's little hot, na? Not very hot. Ivan को गरम लगा, फिर भी खा लिया क्योंकि इतना tasty है. Do you like it, Ivan? How's the taste? Is it good or not good? Good. Good. Okay. How good? Very good. मैंने टेस्ट करके देखा, सच में बहुत अलग टेस्ट आया है। कास्ट आयरन पैन का टेस्ट बहुत ही अलग आता है। ऐसे तीनों चीजें मिला के दे रही हूँ। Ivan, eat everything together, not just this. ये इवान ने खत्म कर दिया प्लेट, देखो लास्ट स्पून बची है। बोल रहा है आई डोंट वांट टू ईट मोर, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया, बट यू लव दैट वन। ओके, कल रात को मैंने मीट को धो के हल्के से नींबू में मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। तो ये है मटन, कल रात को मैंने फ्रिज में रख दिया था हल्का सा नींबू डाल के, बट मेरे फ्रिज में कोई माल फंक्शन हो रहा है, हर चीज जम जा रही है, पता नहीं क्या हो गया है।
तो ये मटन थोड़ा सा जम गया है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं मटन बनाने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, जो ये चैनल रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि मुझे मटन से कितना प्यार है। मेरी एकदम बॉडी को हील कर देता है, मुझे ऐसा लगता है मसल्स वसल्स बनने लगती है मेरी जब मटन खाती हूँ दो तीन दिन। तो काफी टाइम से मेरा खाना अच्छे से नहीं हो रहा। हर वीक में मैं ऐसे करती हूँ ना, कुछ दिन मैं बहुत कम खाती हूँ और फिर कुछ दिन मैं काफी ज्यादा खाती हूँ, तो मैं बॉडी को शॉक करती रहती हूँ। इससे मुझे लगता है ना बॉडी स्ट्रांग होती है, अगर बॉडी को बार बार शॉक किया जाता है। तो ये सारा मटन मैं अकेले ही खाऊंगी। और ना राजस्थानी मटन बनाते बनाते मैं बहुत बोर हो गई हूँ, यानी मुझे बहुत पसंद है अभी भी, मैं रोज खा सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ अलग बनाने का मन कर रहा है। क्यों ना मैं एक्सपेरिमेंट करूँ मटन के साथ भी, जो मैं कभी नहीं की हूँ आज तक। ऐसे वीडियोस देख रही थी ऑनलाइन और मैंने देखा चंपारण मटन करके एक होता है, तो चंपारण मटन कोई बिहार साइड से आई थिंक है, और उसका बहुत मुझे रेसिपी बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ वीडियोस देखे उस पे, उसी को मैं अपने तरह से बनाने का ट्राई करूंगी। थोड़ा इसके लिए प्याज ज्यादा लगता है, मेरे पास दो ही प्याज है, दोनों यूज कर लूंगी आज मैं। और ये मटन है ना बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग है, क्योंकि इसमें प्याज भूनने का ब्राउन करने का चक्कर है नहीं, तो जितना फाइन हो सकता है उतना फाइन मैं स्लाइसेस कर रही हूँ इसकी, ताकि जल्दी से पक जाए, गल जाए ग्रेवी में। मटन की क्वांटिटी 700-800 ग्राम है, तो दो बड़े प्याज ले रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि और कुछ ज़्यादा डलना ही नहीं है इसमें। तो कल रात को ही मैंने सोने से पहले अदरक लहसुन पेस्ट बना दिया था। मटन वगैरह की तैयारी करनी होती है ना, सेम डे सब कुछ करो तो बहुत लेट हो जाता है। मैं ग्रीन चिलीज भी फ्रीज करके रखती हूँ, क्योंकि चाइना में हमारी वाली छोटी ग्रीन चिलीज मिलती नहीं है और ऑनलाइन मुझे बल्क में लेना पड़ता है। अब मैं एक परात ले रही हूँ सारा प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट मैंने बनाया था, सारा ही डाल दूंगी मैं। ये सारा लहसुन जो मैंने चॉप करके रखा था, लाल मिर्च पाउडर, मैं इसे सीधा पैकेट से ही डाल दे रही हूँ, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मीट मसाला डाल रही हूँ, और जीरा पाउडर भी डाल दे रही हूँ। अब इसको ना मैं ग्लव्स पहन के अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हे मामा, हे, वो सही हो समझी? लुक, लुक, हे, नमक डाल नहीं भूल गई, नमक। अब मैं इसमें मटन ट्रांसफर कर रही हूँ। तो कई लोग जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि चाइना में ना गोट मीट बहुत ही अनकॉमन है, यानी बहुत इजीली नहीं मिलता। यहाँ पे लोग गोट खाते ही नहीं है, शीप या लैम भी खाते हैं, और अगर मटन मिल भी जाता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता है। तो अगर कोई चाइना में रह रहा है जिसको खाना है ये, अब मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम में, मैं बता दूंगी, लिंक दे दूंगी कहाँ से खरीदना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसको कुक करने वाली हूँ। अब वैसे तो मेरे पास सरसों का तेल थोड़ा सा ही है, क्योंकि मैंने इंडिया से मंगाया था, बट आज के डिश में बनता है क्योंकि ये सरसों के तेल में ही बनता है ये वाला मटन बिहारी स्टाइल का। डाल दे रही हूँ खूब सारा। यहाँ पे ये वाला सरसों तेल ना बहुत महंगा मिलता है चाइना में, तो मैं बहुत कम यूज करती हूँ। इसमें ना स्मोक आने लग गया, तो मैं इसमें नॉर्मल तेल मिला रही हूँ थोड़ा, यहाँ का लोकल, क्योंकि तेल ज्यादा लगता है मटन में। मसाले मैंने एकदम वही लिए नॉर्मल वाले, थोड़ा तेज पत्ता लिया है, बहुत सारे टूट गए मेरे। एक बड़ी इलायची, एक पीस दालचीनी, 10-12 काली मिर्च, 4-5 लौंग और 3 छोटी इलायची। थोड़ा इसको मैं स्वर्ल कर देती हूँ। अब ये एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगी। इसको मैं अच्छे से खुले में पका लेती हूँ, लाइक रोस्ट कर लेती हूँ। मेरी कढ़ाई छोटी पड़ रही है। एक्चुअली मेरे पास ना हांडी भी थी, बट
हांडी का क्या है ना, यहाँ की गैस इतनी ज्यादा होती है कि हांडी में भी जलने लगता है। जितना इजी कढ़ाई में रहता है ना, उतना इजी हांडी में नहीं रहता है खाने को चलाना। मैंने कई बार हांडी में बनाया जिसमें नीचे काला पड़ जाता है खाना, ज्यादा टाइम तक जो पकाते हैं तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ी अलग आ रही है राजस्थानी मटन से। ढक देती हूँ इसको, जब तक इसका पानी नहीं उड़ जाता सारा, प्याज नहीं गल जाता तब तक। 15 मिनट हो गए हैं, देखती हूँ खोल के कैसा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है लेकिन कलर देखो अच्छा नहीं आया है, तो मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करती हूँ थोड़ी। इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च के साथ मैं एक बड़ी इलायची भी ऐड कर रही हूँ। मैं यूजुअली 2 डालती हूँ, पता नहीं आज मैंने 1 क्यों डाली। अब थोड़ा कलर अच्छा लग रहा है देखो इसका, पकते पकते इसका कलर और लाल हो जाएगा। एक्चुअली इसमें टमाटर डलता नहीं है जो चंपारण मटन होता है उसमें, लेकिन मैं डाल रही हूँ, मुझे लगता है इससे क्वांटिटी भी बढ़ेगी और कलर भी अच्छा आएगा। वैसे भी मैं यहाँ अकेले हूँ खाने वाली, मैं जज तो करूँगी नहीं, एज लॉन्ग एज इट इज टेस्टी। बीस पच्चीस मिनट हो गए, मैं देखती हूँ कैसा हाल है इसका। देखो आप, इसका जैसे पानी उड़ा वैसे उसका कलर डार्क हो गया है, थोड़ा रेड रेड हो गया है, तो ऐसा ही कलर मुझे चाहिए था। अब ये मुझे लगता है लगभग तैयार हो गया, इसका ऑयल ऊपर आ गया है। इसको थोड़ी देर और मैं पकाऊंगी, तब तक मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ। मैं आज ज्वार की रोटी बनाने वाली हूँ। ये ज्वार मैंने लोकल चाइनीज लिया है, रेड ज्वार ही मिलता है यहाँ पे, हमारा वाला वाइट नहीं मिलता। ये है ज्वार का आटा, लोकल चाइनीज, बहुत अच्छा है। ये आटा थोड़ा गीला हो गया था तो मैं नॉर्मल आटा मिला रही हूँ, और नॉर्मल आटा मिलाने से रोटी थोड़ी इजिली भी बन जाती है। बस मैं ज्यादा नहीं गूंद रही, इतना ही गूंद रही हूँ इसको, इतना। अब मैं इसकी रोटी बनाती हूँ। ये टूटने वाली है मुझे लगता है, मैंने ज्यादा देर गूंदा नहीं है, बट आई एम इम्पेशेंट, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। जैसे भी टूटी फूटी बनेगी मुझे जल्दी से खाना है। कितनी बड़ी रोटी बनाई, देखो कितनी मोटी है। मैं कुछ काम में लगी थी तो ज्यादा सिक गई एक साइड से। एनीवेज, क्या कर सकते हैं, व्लॉगिंग लाइफ, हाथ वाथ धोना बार बार, तो हर स्टेप के बाद ना मैं सफाई कर लेती हूँ ताकि बाद में काम ज्यादा जमा नहीं हो जाए। अगर मैं सिर्फ खाने में लग गई उसके बाद क्या होता है, फिर इतना सारा काम, इतनी सारी गंदगी एक साथ हो जाती है ना, तो आई एम लाइक एक साथ ही साफ भी करते जाओ। देखो आप, अच्छी बन गई रोटी, मोटी रोटी। इसके साथ मैं प्याज भी रख देती हूँ। देखो कलर कितना अच्छा है ना सच में। गरम है बहुत, बहुत ही ज्यादा गरम है, हाथ जल रहा है, क्या करूं। पसीने आ गए मुझे क्योंकि इतनी गर्मी हो गई आजकल। आई थिंक 28 से 30 डिग्री हो गया है। ये देखो आप, पक गई ये बोटियाँ, कितनी गली टूट रही है, इसका ना राजस्थानी मटन से थोड़ा अलग टेस्ट है, क्योंकि राजस्थानी मटन में हम भून के प्याज डालते हैं एकदम ब्राउन करके, और इसमें कच्चे ही डाल दिए, उसको बस गलाते हैं लेकिन भूनते नहीं है प्याज को, इसकी वजह से इसमें बहुत मीठापन है। मैं दोबारा बनाऊंगी ये फॉर श्योर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बनी। धनिया मैं डालना भूल गई, सॉरी, मुझे इतनी जल्दी हो रही थी खाने की, वो धनिया मेरे पास है भी नहीं। कल लाऊंगी मैं, अगर तो उसको नेक्स्ट टाइम खाने से पहले डाल दूंगी।
जब से हल्की गर्मी स्टार्ट हुई है तब से मुझे रूम में बैठ के खाने का मन करता है जहाँ पे एसी चलता रहता है और मैं ये कोई टीवी शो देख रही हूँ। ऐसी मेरी आदत पड़ी हुई है बचपन से ही है कि कुछ देखते देखते खाना है, कोई मूवी या टीवी शो, बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है मुझे। देखो अब बारिश में भी ये कबूतर हमारे घर में चुगने आ जाता है या आ जाती है, और ये अभी ना बहुत टाइम से फ्लोर पे घूम रही है हमारे बालकनी के, तो मुझे लगता है शायद ये घर बनाने का सोच रही है यहाँ पे। मे बी उसकी कोई फैमिली बनने वाली है, बच्चे होने वाले हैं, कुछ तो अलग लग रहा है आज। यानी ऐसे बहुत देर से ये घूम ही जा रही है और पूरी जगह को मापे जा रही है। She's trying to find a nice place to make house because she likes us. She thinks we are safe people. Happy now? कोई भी नया सामान आता है उसके साथ बबल रैप जैसा कुछ आता है तो मैं इवान को दे देती हूँ, उसको टूथपिक से फोड़ने में बहुत मजा आता है। तो शाम को मेरी एक और चीज़ आ गई जो मैंने ऑर्डर की थी। आपने तो देखा ही होगा मेरा तवा कितना खराब हो रहा है, तो मैंने कास्ट आयरन का तवा भी मंगवा लिया था। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, एकदम परफेक्ट साइज है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, और पीछे से ऐसा कुछ लग रहा है ये। तो ये इंडक्शन पे भी चल जाता है, जो हम कोरियन बारबेक्यू खाने जाते हैं वहां पे इसी टाइप का स्केलेट जैसा रहता है जिसमें फ्राई कर सकते हैं, नॉनस्टिक हो जाता है। अभी तो बहुत खुरदुरा लग रहा है लेकिन मुझे लगता है कुछ यूज के बाद थोड़ा स्मूथ हो जाएगा ये। और पहले इसमें मैं ये रस्सी लगा देती हूँ साइड में। तो मैं बैठ तो गई ये रस्सी रैप करने के लिए, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि लोग कैसे इसको रैप करते हैं। मैंने देखा है फोटोज और वीडियोस में कि ऐसे आयरन के पैंस होते हैं उसके साइड में लोग रस्सियों से इंसुलेट कर देते हैं। मैंने गूगल भी किया, मुझे गूगल में भी कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें ये विधि बताई गई। मैं ऐसे लपेटती जा रही हूँ इसको। काम आसान करने के लिए मैंने डबल कर दी थी रोप को, जैसे हम सुई धागे के लिए धागे को करते हैं ना। मैंने यहाँ बैठे बैठे रस्सी लपेट दिया। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे किया था, कुछ खास नहीं हुआ ये देखो। सेकंड टाइम बहुत अच्छा हो रहा था लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ये रह गया है, तो इसको मैं कहाँ पे छुपाऊँ पता नहीं। What is that? रात को समझ नहीं आ रहा था इवान के लिए क्या बनाए, और ओडिन है ना कुछ कॉर्न लेके आ गया था, तो उसने बोला कि वो कॉर्न ही उबाल देगा। यहाँ पे कॉर्न को एज अ मेन डिश भी खाते हैं लोग, यानी रोटी चावल की जगह कॉर्न भी खा लेते हैं लोग, उससे पेट भर जाता है ना, अनाज तो होता ही है। तो उसको हम उबाल दे रहे हैं, उसके साथ मैं कुछ सूप जैसा बना दूंगी। और यहाँ पे लोग कॉर्न उबालते वक्त उसका छिलका हमेशा नीचे लगा देते हैं कुकर में और पानी एकदम थोड़ा सा डालते हैं। देखो इसमें पानी स्टीमिंग के लिए एकदम नाम का लिया है, और ये पत्ते है ना एज अ बैरियर एक्ट करेंगे, अगर पानी खत्म भी हो गया तो ये जलेगा नहीं बिल्कुल कॉर्न। यहाँ पे मैं तवे को गरम कर रही हूँ, इसको भी मैं सीजन कर दूंगी रात को सोने से पहले। ओडिन अपने डिनर की तैयारी कर रहा है, करेला काट रहा है यहाँ का, देखते हैं क्या बनाता है आज। अब ओडिन ने मुझे आइडिया दिया कि तवे को सीजन करने के लिए कॉर्न का छिलका ही यूज करके उस पर तेल लगाना बेस्ट रहता है, तो पता नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड के होम टाउन में डिनर या लंच ऐसे भी करते हैं, बताओ। कच्चे करेले को डिप करके सोयाबीन पेस्ट में लोग खाते हैं, उसके साथ सॉसेज या कुछ खाते हैं, तो पूरा खाना हो जाता है इनका। कॉर्न आई थिंक हो गया है, बस हमने 5-10 मिनट ही रखा था इसको कुकर में। और मैंने ना एक दाना निकाल के टेस्ट कर लिया था, बहुत ही ज्यादा मीठा है, आई थिंक ये स्वीट कॉर्न है यहाँ का। Ivan, the corn is ready. Sweet corn सुनते ही मुझे महाबलेश्वर की याद आ जाती है। Hot, hot. I'll wash it with cold water, okay? हो गया Ivan का डिनर। इसमें corn है, carbs के लिए सब्जी है, और अगर आपको लग रहा है प्रोटीन नहीं है तो ये सूप कोलाजन वाला सूप है, क्योंकि मटन बोन्स का सूप है ये, तो इट इज वेरी रिच इन कोलाजन। तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आपको दिखाऊंगी जो कुछ भी मैंने पैन, कास्ट आयरन पैन वगैरह लिया था उसको मैं यूज करके दिखाऊंगी, और कोई टूल ना एग बीटर जैसा उसको भी मैं यूज करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक कॉमेंट तो आप कर ही देते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट।